हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बनाएंगे डिज़ाइनर कुर्ती। इसे बनाने के लिए मैंने प्लेन और प्रिंटेड का कॉम्बिनेशन लिया हुआ है। जो प्लेन फैब्रिक है वो मैंने 2 मीटर्स लिया है और जो प्रिंटेड फैब्रिक है वो मैंने 3 मीटर्स लिया है। ये दोनों फैब्रिक्स मैंने जॉर्जेट के लिए हुए हैं और बेस फैब्रिक आपको चाहिए होगा 2.5 मीटर। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं टॉप पार्ट कट करूँगी, तो शोल्डर में लूँगी 7 इंचेस। ये मैंने 4 फोल्ड किया हुआ है। आर्म होल भी मैं लूँगी 7 इंचेस का। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए मैं लाइन ड्रॉ करूँगी। अब यहाँ पे मैं लूँगी चेस्ट पार्ट। चेस्ट पार्ट में लूँगी यहाँ पे 11 इंचेस का। आपका जो भी मेजरमेंट है उसे डिवाइड बाई 4 कीजिए और उसमें 2 इंचेस सिंगल आर्म्स क्लियर कर दीजिए। तो ये मैं चेस्ट पार्ट ले रही हूँ 11 इंचेस का। ऊपर से टॉप पार्ट की लेंथ में लूंगी यहाँ पे 15 इंचेस, 1 इंच फॉर सिंगल आर्म्स। और यहाँ पे मैं कमर की ब्रॉडनेस लूंगी 10 इंचेस। तो ये होगी मेरी टॉप पार्ट की लेंथ। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए मैं लाइन ड्रॉ करूंगी। अब मैं आर्म होल ड्रॉ करूंगी। तो ये मैंने लिया था 7 इंचेस का, उसका हाफ होता है 3.5। यहाँ पर मैं एक मार्क करूँगी। अब यहाँ से मेरा कर्व शुरू होगा। तो इस तरह से ये मैंने आर्म होल ड्रॉ कर लिया। मैंने एक और आर्म होल ड्रॉ किया हुआ है हाफ इंच अंदर से, होगा हमारा फ्रंट का आर्म होल। अब यहाँ पे नेक की ब्रॉडनेस मैं लूँगी 3.5 इंचेस और लेंथ में लूंगी 2.5 इंच। अब इन दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए मैं लाइन ड्रॉ करूंगी। तो इस तरह का राउंड शेप बनाना है नेक का, तो इसे हमें कट कर लेना है। तो ये देखिए, हमने इसे कट कर लिया है। अब मैं अंदर से एक पार्ट को निकाल दूंगी। जो पार्ट मैंने निकाला है वो मेरा बैक का पार्ट होगा और यहाँ पे जो हमने हाफ इंच अंदर से आर्म होल ड्रॉ किया है इसे मैं कट करूँगी। तो इसे अच्छे से 2 फोल्ड करने के बाद हम आर्म होल को कट करेंगे। ये होगा हमारा फ्रंट का आर्म होल। तो इसी तरह से ये मैंने टॉप पार्ट कट कर लिया है। फ्रंट और बैक के लिए अभी मेरा मेन फैब्रिक है उस पर मैं सीधा जो हमने कट किया था उसे मैं इस तरह से रखूंगी। इसी तरह से मैं दोनों फ्रंट और बैक को कट करूंगी। तो सेम वही शेप में हमें इसे कट कर लेना है। इस तरह से मैं सेम वही शेप में से कट कर लूंगी आर्म होल और नेक। तो ये देखिए, हमने मेन फैब्रिक को कट कर लिया है। तो ये हो गया हमारा टॉप का पार्ट। अब हम बॉटम कट करेंगे। तो ये मैंने 2 फोल्ड में लिया हुआ है। अब मैं इसे ट्रायंगल में 4 फोल्ड करूंगी इस तरह से। तो इसमें से हम बॉटम का पार्ट कट करेंगे। ट्रायंगल में 4 फोल्ड करने के बाद जो हमने टॉप पार्ट कट किया था उसे मैं 2 फोल्ड करके यहाँ पे रखूंगी। इस तरह से ब्रॉडनेस को हम यहाँ पे मार्क कर लेंगे, जो हमारी टॉप पार्ट की ब्रॉडनेस है उसे मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ करूँगी। तो अब यहाँ से मैं बॉटम पार्ट की लेंथ लूँगी। तो लेंथ में यहाँ पे ले रही हूँ 36 इंचेस।
तो यहाँ से मैं इस तरह से शेप ड्रॉ करूंगी। तो बॉटम पार्ट का शेप कुछ मैं इस तरह से बनाऊंगी, यहाँ तक ये मैंने राउंड शेप ड्रॉ कर लिया है। तो बस इसे हमें कट करना है। तो देखिए मैंने इसे कट कर लिया है, अब मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ आपको। तो इसी तरह से मुझे दो पीसेस मिल गए हैं फ्रंट और बैक के लिए। अब हमें वही शेप में बेस फैब्रिक को भी कट कर लेना है। उसके बाद हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स की ब्रॉडनेस मैं लूँगी यहाँ पे 9 इंचेस, और यहाँ पे मैं 3 इंचेस डाउन पे एक मार्क करूँगी जो हमारी ओपन साइड है। यहाँ से मैं स्लीव्स का शेप बनाऊंगी इस तरह से। लेंथ में लूंगी यहाँ से 19 इंचेस। ये फैब्रिक को मैंने 4 फोल्ड में रखा हुआ है। और यहाँ पे स्लीव्स की चौड़ाई में लूंगी 6 इंचेस। अभी दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए मैं इस तरह से लाइन ड्रॉ करूंगी। अब यहाँ से मैं एक और शेप बनाऊंगी 1/2 इंच अंदर से, तो वो होगा हमारा फ्रंट का शेप। तो बस इसे हमें कट कर लेना है। ये देखिए हमने कट कर लिया है। अब मैं इसे ओपन करूंगी। ओपन करने के बाद जो हमने 1/2 इंच अंदर से कट किया था उसे हम कट कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा, स्लीव्स की कटिंग कम्प्लीट हो चुकी है। अब हम ऊपर की लेयर को कट करेंगे। तो ये हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड किया हुआ है, और जो हमने टॉप पार्ट कट किया था उससे मैं 2 फोल्ड में इस तरह से रखूँगी, और पूरा नेक और आर्म होल में ड्रॉ करूँगी। इसी तरह से आपको ये पूरा ड्रॉ कर लेना है यहाँ तक। अब मैं इसे हटा दूंगी टॉप पार्ट को। तो यहाँ पे मैं लेंथ ले रही हूँ 35 इंचेस। ये है मेरी ऊपर की जो मैं लेयर बनाऊंगी इसकी लेंथ है 35 इंचेस। तो इस पॉइंट को मैं लेंथ तक बस इस तरह से स्लांट में एक्सटेंड करूंगी। तो ये मैंने शेप ड्रॉ कर लिया है, बस इसे हमें कट करना है। तो ये देखिए ये हमने कट कर लिया है। अब मैं इस टॉप पार्ट को हटा दूंगी। तो इस तरह से ये मुझे 2 पीसेस मिल गए हैं। ये देखिए मुझे इस तरह के 2 पीसेस मिल गए हैं। अब मैं यहाँ पे मार्किंग करूंगी। तो यहाँ पर मैं सेंटर पे एक मार्क करूंगी, जो हमारा शोल्डर है उसके सेंटर पे एक मार्क करूंगी, और इस लाइन को मैं नीचे तक एक्सटेंड करूंगी। तो बस स्ट्रेट आपको नीचे तक इसे एक्सटेंड करना है। के बाद में ऊपर से 13 इंचेस पे एक मार्क करूंगी, और यहां से इस पार्ट को मैं कट करूंगी। तो ये देखिए हमने कट लगा दिया है। अब यहां से मैं इस तरह का शेप दूंगी। तो इसे पहले ड्रॉ कर लेना है इस तरह से, थोड़ा कर्व शेप में इसे ड्रॉ कर लेना है, उसके बाद हमें इसे कट करना है। तो ये देखिए हमने इसे कट कर लिया है। अब यहाँ से मैं 4 इंचेस ऊपर से एक कट लगाऊंगी, 3-4 इंचेस आपको यहाँ पे
स्ट्रेट कट लगानी है। अब मैं ऊपर से एक पार्ट को हटा दूंगी। अब ये मेरा राइट पार्ट है, तो यहाँ पे मैं मार्क करूँगी इस तरह से, 1 इंच के डिस्टेंस पे मैं इस तरह से मार्क लगाऊंगी। अब यहाँ पे मैंने इस तरह की स्ट्रिंग ली हुई है, इसे मैं टू फोल्ड करके जहाँ पे हमें मार्किंग की है वहाँ पे मैं इस तरह से टू फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। तो इस तरह से यहाँ नीचे तक आपको सिलाई लगानी है टू फोल्ड करते हुए। तो ये देखिए हमने इसे लगा दिया है। अब ये हमारा राइट पार्ट है, उसके ऊपर मैं दूसरे पार्ट को उल्टा रखूँगी इस तरह से। अब यहाँ से मैं सिलाई लगाऊँगी, तो ये पूरे आपको जो हमारा शेप है ये पूरे शेप में आपको सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने के बाद हम नॉचेस लगाएंगे, तो बस हल्के हाथों से आपको नॉचेस लगाने हैं। नॉचेस लगाने के बाद मैं इसको बैक साइड पे टर्न करूंगी, तो इस तरह से इसे बैक साइड पे टर्न कर लेना है। तो ये देखिए हमने बैक साइड पे टर्न कर लिया है और इस तरह से ये मैंने बना दिया है। यहाँ पे हमारे बटन्स आएंगे। अब हम सबसे पहले बैक पार्ट बनाएंगे। तो ये मेरी राइट पार्ट है, उसके ऊपर मैंने बेस फैब्रिक को रॉन्ग रखा हुआ है और ये पूरे नेक में मैं सिलाई लगाऊंगी। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ पे मैं नॉचेस लगाऊंगी। ये है हमारा बैक का टॉप पार्ट। नॉचेस लगाने के बाद मैं बेस फैब्रिक को रॉन्ग साइड पे टर्न कर दूंगी इस तरह से। तो इस तरह से ये मैंने बैक पार्ट को टॉप पार्ट तैयार कर लिया है बैक का। अब ये मेरी राइट साइड है, उसके ऊपर मैं बेस फैब्रिक को उल्टा रखूंगी। उसके ऊपर जो हमारा मेन फैब्रिक है टॉप का उसे भी मैं उल्टा रखूंगी। और तीनों को अच्छे से मिलाते हुए मैं पूरे नेक में सिलाई लगाऊंगी। यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है, उसके बाद हम नॉचेस लगाएंगे इस तरह से। हल्के हाथों से आपको नॉचेस लगाने हैं। उसके बाद मैं इसे रॉन्ग साइड पे टर्न कर दूंगी। तो इसे बस रॉन्ग साइड पे टर्न कर लेना है। तो इसी तरह से ये मेरा नेक कंप्लीट हो चुका है। अब हम टॉप और बॉटम को जॉइन करेंगे। तो ये मेरी राइट साइड है, उसके ऊपर मैं बॉटम पार्ट को इस तरह से उल्टा रखूंगी और यहाँ पे सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमने टॉप और बॉटम को जॉइन कर लिया है इस तरह से। अब हम शोल्डर फिटिंग करेंगे। तो ये मेरी राइट साइड है, उसके ऊपर बैक पार्ट को मैं उल्टा रखूंगी इस तरह से और यहाँ पर मैं सिलाई लगाऊंगी दोनों तरफ। तो ये देखिए हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब हम स्लीव्स को ज्वाइन करेंगे।
तो ये मेरा राइट पार्ट है, उसके ऊपर मैंने स्लीव्स को उल्टा रखा है और मिडल से मैं स्लीव्स को लगाना शुरू करूँगी। इस तरह से दोनों तरफ से मैं इसे ज्वाइन करूँगी। इसी तरह से मैं दूसरी स्लीव्स को भी ज्वाइन करूँगी। स्लीव्स को ज्वाइन करने के बाद हम स्लीव्स की बॉर्डर पे इस तरह की स्ट्रिप्स लगाएंगे। तो बैक साइड पे आपको इसे इस तरह से रखना है स्ट्रिप को, और सिलाई लगानी है यहाँ पे, आपको सिलाई लगानी है इस तरह से। तो ये देखिए हमने सिलाई को लगा दिया है। अब मैं इसे राइट साइड पे टर्न करूँगी इस तरह से, और इसे एक फोल्ड करते हुए मैं सिलाई लगाऊंगी। एक हल्का सा फोल्ड करना है और आपको सिलाई लगानी है। इसी तरह से मैं दोनों स्लीव्स तैयार करूंगी। उसके बाद हम फिटिंग करेंगे। तो इसे रॉन्ग साइड पे मैंने टर्न किया है। चेस्ट पार्ट में लूंगी यहाँ पे 19 इंचेस का। आपका जो भी मेजरमेंट है उसे बस हाफ करना है आपको। और यहाँ पे मैं कमर की ब्रॉडनेस लूंगी 15.5। अभी दोनों पॉइंट्स को मैं लाइन ड्रॉ करूंगी इस तरह से ज्वाइन करते हुए। यहाँ पे मैं लूंगी स्लीव्स की ब्रॉडनेस 5 इंचेस। अभी इस पॉइंट को मैं वहां तक एक्सटेंड करूंगी इस तरह से, और यहाँ से आपको यहाँ तक सिलाई लगानी है। और इसी तरह से दूसरी स्लीव्स की भी फिटिंग करनी है। उसके बाद मैं इस पॉइंट को बस नीचे तक एक्सटेंड करूँगी। तो बस 1 इंच के डिस्टेंस पे आपको नीचे तक इसे एक्सटेंड कर देना है। तो ये देखिए हमने फिटिंग कर दी है। अब हम नीचे की बॉर्डर फोल्ड करेंगे। तो ये जो हमारी बॉर्डर है उसे मैं रॉन्ग साइड पर डबल फोल्ड करके सिलाई लगाऊंगी। इसी तरह से पूरी लेंथ में आपको डबल फोल्ड करना है। इसी तरह से मैं बेस फैब्रिक को भी रॉन्ग साइड पर डबल फोल्ड करूंगी, और पूरी लेंथ में आपको सिलाई लगानी है। तो ये देखिए हमने डबल फोल्ड कर लिया है, और हमने यहाँ पे इस तरह से बटन्स भी लगा दिए हैं। तो ये हमारी कुर्ती बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। तो गाइस तैयार है हमारी डिज़ाइनर कुर्ती, एंड दिस इज़ हाउ इट लुक्स। गाइस अगर आपको हमारी डिज़ाइन पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और नीचे दिए गए बेल आइकॉन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।